तो कैप्टन हिमेश जी, कौन होगा हमारा अगला हिंदुस्तानी सूरंदाज? अगला हिंदुस्तानी सूरंदाज वो होगा जो बहुत जल्द दूल्हे राजा भी बनने वाले हैं, जिसका नामकरण दोबारा से होगा दूल्हे राजा शिकारी यशराज कपिल। मैं हिंदुस्तानी सूरंदाज यशराज इकलौता बेटा हूँ, इसलिए अपने पेरेंट्स के सारे सपने मुझे ही पूरे करने हैं, और उनका एक सपना शायद ये भी है कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश को आगे लेकर जाऊं, इसलिए मैं सुरक्षेत्र में आया हूं। बावरे पियाकी, बावरे पियाकी, बावरे पियाकी, बावरे पियाकी, का से कही जाके फिर जिया बाबरे पियाकी, बाबरे रट के पियो में समाई, बन गई छाया, बन गई छाया छल बलिया की, बाबरे पिया की, जूरी ने, आशा जी ने, रुना जी ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया है। कांग्रेचुलेशंस यशराज, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। बहुत दिल से गाया, बहुत प्यार से गाया, बहुत अच्छा गाया, बस वेरी गुड। थैंक यू सर, मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच कैप्टन हिमेश जी, थैंक यू रिस्पेक्टेड जूरी। थैंक यू कैप्टन आतिफ, आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आया? मुझे ये परफॉर्मेंस जब इसने शुरू किया, बहुत जगह से उखड़ा हुआ था जहाँ से अलाप इसने लिए थे, 3-4 दफ़ा ये आउट हुआ, उसके बाद राइट टूवर्ड्स द एंड, अंतरा भले अच्छा गा दिया हो, बात तो सुर की हो रही है, और अगर सख्त तरीके से सुर देखे जा रहे हैं, और अगर एक खराश देखी जा रही है और 4 सुर ऑफ देखे जा रहे हैं, जहाँ पे सुर ऑफ हो रहे हैं, 4 से 5 जगह पे ऑफ हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो के एनीवन डिजर्व्स 10। बाकी मैं छोड़ता हूँ जूरी पे जो कहना चाहते हैं बड़े लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसी जगह आपने ली बीच बीच में, जो बहुत ही मुश्किल जगह भी थी, और बहुत सुर में आपने जगह कही, तो मेरे हिसाब से तो इससे कम हो ही नहीं सकता। 10 points यशराज, बड़ा इन्होंने गुम होके गाया है, बहुत ही गुम होके गाया है, और अगर छोटी मोटी गलतियां तो वो होनी नहीं चाहिए,
हमारे जहन में, तो यही 10 दूंगी मैं आपको। 10 points! बहुत अच्छा गाते हो, हमेशा ही गाते हो अच्छा, और आज इतना मन लगा के और इतना खो गए थे, और जो नाजुक सुर जो ऊपर लगा रहे थे बहुत सुंदर लग रहे थे, और भगवान करे तुम्हें बहुत इसमें तरक्की मिले, मेरा भी आशीर्वाद है। थैंक यू। 10 points! Full marks, यशराज! Congratulations यशराज, बहुत अच्छी बात है, इंडिया का स्कोर आपने और हाई कर दिया है आज आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन आपके फीमेल फैंस जो है सबका दिल तोड़ दिया, आप शादी करने वाले हैं मंगेतर तन्नू से, आई थिंक सबको मिला देते हैं, व्हाट से? Sure, but how are you gonna do that? You see how we do that, यशराज, देखते हैं। Okay. काफी ज्यादा स्ट्रगल किया हमने अपने प्यार को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए। वैसे हमने जब हम लोग ने स्कूल पास आउट किया उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर की कि हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन यश के पेरेंट्स घर पे आए और ऐसे बात हुई, और उसके 2-3 दिन बाद ही हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई। हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि जब भी हम एक दूसरे से नाराज होते हैं तो कभी यश सॉरी बोलता है मुझसे, कभी मैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से रूठ कर बैठ जाए, वो सॉरी एक्सेप्ट ना करें। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ यहाँ पे मैं, आई एम रियली फीलिंग वेरी अलोन विदाउट हिम, एंड आई जस्ट कांट लिव विदाउट हिम। बहुत ज़्यादा याद आती है तुम्हारी। बस यही कहना चाहूँगी कि तुम वहाँ पर हो और अपना गिव योर बेस्ट, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। माई गुड विशेज आर ऑलवेज विद यू बेबी, आई लव यू। हाउ स्वीट यशराज, इतना प्यार आप दोनों के बीच, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्यार है आप दोनों के बीच। दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज आई हैव गॉट टिल डेट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सुरक्षेत्र। आई कांट थैंक यू एनफ। मैं पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड लक। थैंक यू यशराज।